ज्योतिरादित्य शिंदे मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले, वैसे कोई शिंदे आप महाराष्ट्र में तलाश रहे हैं क्या? आपने कहा था कि कोई शिंदे नहीं है, तो अचानक ये शिंदे कहां से आ गए? ये आपका उनका संपर्क कब हुआ, या वो आपके पास अप्रोच किए, या क्योंकि आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया इसके लिए, हम कहते हैं कि जैसे मुथैया मुरलीधरन है वो हमेशा दूसरा एक बॉल दूसरा डालता है, वो आप भी एक दूसरा डालते हैं, तो क्या ये उस तरीके से था? आपने उनको कांटेक्ट किया या वो आपके पास आए कि हमको सरकार से बाहर निकलना है, आप हमको साथ मिलेंगे क्या? सहल, आपने जब मुझे पूछा तो आप तो जानते हैं कि राजनीति में अपनी स्ट्रेटेजी ये नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं बताई जाती, नहीं तो वो स्ट्रेटेजी तो फेल ही होती है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि देखिए, हम अपोजिशन में थे, जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ था, जो बेईमानी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो बेईमानी हमारे साथ शिवसेना ने की थी, जिस प्रकार से मेरी पीठ में और बीजेपी की पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर भोंपा था, तो ये तो हम लोग निश्चित रूप से चांस ढूंढ रहे थे वापिस आने का। हम लोग तो कोई यहां पर तपस्या करने के लिए या साधु संत बनने के लिए तो आए नहीं है, हम लोग तो राजनेता है, हमको तो जनता की सेवा करनी है, तो हमारे साथ बेईमानी होगी तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो जैसे ही शिंदे जी मेरे हिसाब से वहां पर जिस प्रकार का, और इसका क्रेडिट तो उद्धव जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव जी का और आदित्य जी का जो उनके साथ व्यवहार था उसके कारण निश्चित रूप से उन्होंने फैसला किया बाहर निकलने का। अब कोई बाहर निकलने का फैसला करे और हमको ये पता चले कि ये बाहर निकले हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं 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 शिंदे जी आप वापस चले जाइए और उद्धव जी के साथ जाकर बैठिए। हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा आप बाहर निकले, हमको भी हमारा बदला लेना ही है, हम आपको साथ देने को तैयार है। तो हमने हाँ 100% किया। और मुझे इस बात की खुशी है, जो बेईमानी मेरे साथ हुई थी उसका बदला लिया। तो आपने ये बदले के लिए किया, लेकिन आपकी पार्टी में कई लोगों को लगता है कि उन्होंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला लिया है कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया एकनाथ शिंदे को, क्योंकि हमने चेहरे देखे वहां पर बीजेपी के नेताओं के, जैसे ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने डिक्लेयर किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके पार्टी के नेता कहीं ना कहीं सदमे में चले गए कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो सपना देख रहे थे कि अपनी सरकार बनने जा रही है। आज की स्थिति में भी क्या आपकी पार्टी में ये भावना है कि ये सरकार तो एकनाथ शिंदे की है या उनको आगे करके सरकार बनाई है और हमको डिप्यूटी का रोल निभाना पड़ रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट आया हुआ है आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि दिल पे पत्थर रख के हमको ये फैसला लेना पड़ा। ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये बहुत कम लोगों को पता होती है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे उसमें से भी 3 या 4 लोगों को ये पता था कि जो लेटर माननीय राज्यपाल जी को दिया गया है वो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का दिया गया है, बाकी जो साथ में आए हुए थे सब लोगों को ये पता नहीं था। मैंने दोपहर में केवल हमारे जो प्रमुख 4-5 लोग हैं उनको विश्वास में लेकर ये कहा कि देखिए हम लोग सरकार तो बना रहे हैं पर मुख्यमंत्री ये एकनाथ शिंदे जी बनेंगे, तो इसलिए एक सहजता के साथ जो लोग, चूंकि कई दिनों तक टीवी पर चल रहा था तो लोगों को ये लग रहा था कि अपनी सरकार बन रही है, देवेंद्र मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उनके लिए एक प्रकार से वो शॉक था, क्योंकि जब मैंने इस प्रकार की अनाउंसमेंट की तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोगों को भी 3-4-5 लोगों से ज़्यादा पता नहीं था ये होने वाला है, तो इसलिए निश्चित रूप से उनके लिए शॉक था। लेकिन आज सब लोग ये मानते कि ये सरकार हमारी है और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं। आपकी जानकारी के लिए और एक सीक्रेट भी आपको बोल देता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में हमने जो जीत हासिल की उसमें ये जो शिवसेना के लोग हमारे साथ आए इनमें से किसी का वोट हमने नहीं लिया था। आपको एनसीपी का वोट पड़ा? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ एनसीपी का पड़ा, तीन ही पार्टियां थी सर। मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ, एक कांग्रेस है, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, ओपन वोटिंग में तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। आज तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई पावर भी है, कांग्रेस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, पर मैं इतना आपको इतना बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ कि जिस समय हम लोगों ने राज्यसभा की सीट चुनकर लाई उस समय जो लोग शिवसेना से हमारे साथ अभी आए हैं इनमें से किसी का भी वोट हमने नहीं लिया।